ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जैसे हमने ये बनाया हुआ है, जियोग्राफिक मेरिडियन है ये और मैग्नेटिक मेरिडियन है, दो यहाँ पे एक्सेस हैं, एक है जियोग्राफिक मेरिडियन और दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे कि कल हमने जियोग्राफिक मेरिडियन एंड अर्थ में अर्थ का जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों हमने कल डिस्कस किया था, तो उसका हमने यहाँ पे एक वेक्टर फॉर्म बनाया हुआ है। तो अब इसको हम डिफाइन करेंगे कि जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एक एंगल बनता है, तो उस एंगल को क्या कहते हैं, हम यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन जिसको हम कहते हैं, तो ये क्या है कि जो जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। यानी एट अ गिवन प्लेस द एक्यूट एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, अब ये जो जियोग्राफिकल जो है मेरिडियन है वो जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से इंडिकेट किया जाता है, और उसका जो कंपास, अगर कंपास हम रखें तो जियोग्राफिक मेरिडियन जो है, अगर हम कंपास रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो कहाँ रुकेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा अगर हम कंपास को पुट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप की, तो एंगल ऑफ डिप क्या है, एंगल ऑफ डिप जो है वो एंगल है किसके किसके बीच में, जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट है, और यानी हम कहें कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट है उनके बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि एट अ गिवन प्लेस इट इज़ एन एंगल इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड ऑफ द अर्थ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और जो डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उनके बीच का जो एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि एट अ गिवन प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो इसको हम बी कॉस थीटा लिखेंगे मैग्नेटिक का, और वर्टिकल कंपोनेंट को वी वी जो है वो बी साइन थीटा, और इस तरह से हम टेन थीटा इज इक्वल टू बी वी ओवर बी एच लिखेंगे, और जो टोटल बी आएगा रिजल्टेंट वो क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर बी एच स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर। यहाँ पर बी एच जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और बी वी क्या है, वो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी मैग्नेटिज्म जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।